Hi guys, welcome to Skill Mumbai. So guys, thank you very much for your love and support in my YouTube channel. So it would be great honor for me that I am sharing you a valuable content and your feedback is awesome. So guys, you guys are awesome. Yes guys, so my dear friends, मैं चाहता हूँ मेरे इस जितने भी videos हैं, जितने भी सारे चीजों को आप देखते हो, follow करते हो, मैं चाहता हूँ कि आप उसे share भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर, ताकि कि हमारा जो community है, वो और भी तेजी से grow कर सके. So my dear friends, इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बाकी सारे चीजें सिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, एंड दैट इज एनकोडिंग, यानी कि जीरो चैनल एनकोडिंग. जीरो चैनल एनकोडिंग क्या होता है, आपने कई बार ऑप्शंस को देखा होगा आपके डीवीआर के अंदर, जहां पर जीरो चैनल सेटिंग लिखा होता है, जो ज्यादातर डिस्प्ले सेटिंग की ऑप्शन में होता है. सो आज मैं इसके बारे में कंप्लीट आपको डिटेलिंग बताने वाला हूं. तो जीरो चैनल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी हम इस ऑप्शंस को हम एनेबल करते हैं, ऐसे समय पर हम जब भी, आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, डीवीआर को वेब के ऊपर स्ट्रीम करते हैं, राइट. तो वेब के ऊपर स्ट्रीम करते समय पर हमें वहां पर कई सारे बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आती है, या तो फिर लोड नहीं हो पाता है, या तो फिर बफर ज्यादा होता है. सो ऐसे समय पर आप जीरो एनकोडिंग, जीरो चैनल का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर क्या होगा, जब भी आप ऐसे समय पर जीरो चैनल के ऑप्शन को आप क्लिक करके एनेबल करके उस सेटिंग को ओके करते हो, तब माय डियर फ्रेंड्स, आपके जितने भी चैनल होते हैं, वो सारे चैनल आपके एक फ्रेम के अंदर स्ट्रीम होती है. यानी कि अगर आपका एक चैनल का डीवीआर है, तो आठों चैनल का डीवीआर आपके एक चैनल के अंदर स्ट्रीम होगा, जहां पर बैंडविड्थ कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा, और वहां पर आपके सारे चैनल को आप एक टाइम पे मॉनिटर कर सकते हो. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो चैनल एनकोडिंग का इस्तेमाल करते हैं. जहां पर बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आता है, लेटेंसी का प्रॉब्लम आता है, ऐसे समय पर आप वहां पर इसे यूज कर सकते हो. यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा वहां पर क्लैरिटी का जो है फर्क हो जाता है, बट मॉनिटरिंग के लिए आप जब भी ऑपरेटर आप बिठाते हो मॉनिटरिंग करने के लिए, तो उसके लिए काफी सुटेबल होता है, इजी होता है उस चीज को मॉनिटर करने के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इसे किस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिकली हम इसे देख लेते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, डीवीआर के अंदर एक डिस्प्ले ऑप्शन होता है, डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जाकर आपको वहां पर जीरो चैनल को एनेबल करना है. जस्ट सिंपली एनेबल योर जीरो चैनल, एंड आफ्टर देन यू कैन टेक अ वेब एक्सेस. सो यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं करके प्रैक्टिकली. सो हम ले लेते हैं आईपी फाइंडर, और आईपी फाइंडर लेने के बाद में हम यहां पर, जैसे कि आप देख सकते हो, हमारा जो XDR है, यानी कि ये दहुआ का XDR है यहाँ पर, और इस XDR, जैसे यहाँ पर मॉडल नंबर आप देख सकते हो DHXBR4B04, ठीक है, ये आपका जो है मॉडल नंबर है हमारे इस DVR का. सो अब आपको क्या करना है, आपको इसे वेब एक्सेस लेना है, इस ई पर क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर पर. जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक दहुआ वेब लॉगिन आ जाएगा. इस वेब लॉगिन के ऊपर जो भी आपने दहुआ का DVR का पासवर्ड और आईडी बनाया हुआ है, वो पासवर्ड आईडी यहां पर आपको टाइप करना है. तो सिंपली आई एम टाइपिंग ओवर हियर पासवर्ड एंड आईडी. ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर लॉगिन टू माय आईडी, वी हैव टू गो इन डिस्प्ले ऑप्शंस. यानी कि यहां पर मैंने आपको कहा था कि आपको डिस्प्ले ऑप्शन में जाना है. डिस्प्ले ऑप्शन पे आप चले जाइए, और वहां पर आपको जीरो चैनल करके ऑप्शन मिलेगा. यस माय डियर फ्रेंड्स, जीरो चैनल, मैं इसे एनेबल कर देता हूं. यहां पर देख सकते हो, ये पहले से एनेबल है, बट नॉर्मली एनेबल नहीं होता, ये डिसेबल होता है. सो यहां पर हमें इसे एनेबल करना है, और यहां पर आपको इस ऑप्शन को सेव करना है. इसी तरीके से आप डीवीआर से भी इस ऑप्शन को एनेबल या डिसेबल आप कर सकते हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे हमने एनेबल कर दिया है, बट तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा सीसीटीवी कैमरे का कंप्लीट मास्टरी कोर्स नहीं किया है, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस मॉड्यूल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, मोर देन 600 प्लस स्टूडेंट्स लोग ने एनरोल कर दिया है, ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से. जहां पर मैंने नोटिस किया है कि काफी सारे ऐसे टेक्नीशियंस हैं मार्केट में, जिन्हें एनालॉग सिस्टम्स के ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट वो आईपी सिस्टम्स और नेटवर्किंग में काम नहीं कर पाते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, डरने की जरूरत नहीं है, आप इस मॉड्यूल के अंदर सारे बेसिक से लेकर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आप सीख सकते हो. जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो 250 से भी ज्यादा ट्यूटोरियल्स हमने ऑलरेडी यहां पर प्री रिकॉर्ड करके रखा हुआ है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैब करिए, नीचे देख सकते हो आपको फोन नंबर मिल जाएगा हमारे काउंसलर का, आप फोन करके उनसे बात कर सकते हो, या तो फिर आपको नीचे फॉर्म का
एक लिंक मिलेगा, उस फॉर्म के लिंक पर जाकर आपको अपना नाम और आपको अपना नंबर और एज वेल एज आपका ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है, जहां पर हमारे काउंसलर आप तक रीच कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप इस मास्टरी कोर्स में एनरोल करिए। इसमें काफी सारे आईपी सॉल्यूशंस और एनालॉग सॉल्यूशंस के बारे में पूरी कंप्लीट गाइड और ट्यूटोरियल दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। सो माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड दैट इज, जैसे कि आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें बैक करना है, हमें आना है हमारे मेन पेज पर, और मेन पेज पर जाना है हमें लाइव व्यू पर। सो अब मैं आपको पहले तो एक एक करके व्यू करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने इसे ओपन ऑल कर देता हूं, तो यहां पर सारे व्यू हो गए, यानी कि फिलहाल मैंने दो कैमरे इंस्टॉल कर रखे हैं। सो मैं चाहता हूं कि ये चारों चैनल, अभी यहां पर तो कोई बैंडविड्थ का प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मैं होम नेटवर्क में हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आता है, या तो फिर मॉनिटरिंग के टाइम पे हमें कुछ लेटेंसी आ रही है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वहां पर हम जीरो चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जीरो चैनल का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले तो मैं सारे चैनल को बंद कर देता हूं। अब मैं एक चैनल को, इसे व्यू को पूरी तरीके से बड़ा कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसी एक चैनल के अंदर मैं चार कैमरे को वन एट अ टाइम मैं मॉनिटर कर सकता हूं, यानी कि सारे चारों चैनल को हम एक चैनल के ऊपर लाकर छोड़ देते हैं। सो यहां पर आपको देख सकते हो, यहां पर इस तरफ यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा फोर्थ चैनल का, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर 1-4 लिखा हुआ है, यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहां पर कि एक ही चैनल के अंदर आपके चारों कैमरे प्ले हो जा रहे, एंड दिस इज कॉल्ड अ जीरो चैनल, या तो फिर जीरो चैनल एनकोडिंग इसे कहा जाता है। यहां पर आपका क्लैरिटी थोड़ा सा आपका रिड्यूस होता है, बट ये मॉनिटरिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा होता है, जहां पर आपको आपके लोडिंग के जो भी, बफरिंग के जो भी टाइम आपके वेस्ट होते हैं, उससे तो कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं हिकविजन में बहुत ज्यादा यूज करता हूं, जब भी मैं उसे वेब एक्सिस लेता हूं, क्योंकि वहां पर कई सारे जगहों पर मैंने हिकविजन के अंदर देखा है कि लेटेंसी का बहुत प्रॉब्लम होता है, और एज वेल एज लोडिंग के लिए बहुत टाइम लेता है, आपके VMS के ऊपर भी आपने देखा होगा। सो ऐसे समय पर मैं जीरो चैनल का इस्तेमाल करके वहां पर यूज कर लेता हूं, ये पता कर लेता हूं कि कौन सा कैमरा बंद है, कौन सा चल रहा है, ये सारे ट्रबल शूटिंग्स आप कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली सेंट्रल मॉनिटरिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ये जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है, सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट टाइप बिलो इन द चैट बॉक्स, नीचे देख सकते हो चैट बॉक्स है, वहां पर आप टाइप करिए यूजफुल, वेरी मच यूजफुल यू कैन टाइप। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके टाइपिंग से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी लोगों के सामने लेकर आऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, सी यू इन द अदर साइड, टेक केयर।